ठीक है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीवीएस आई क्यूब के बारे में कि 18 महीने और 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा चलाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उसका रिव्यू भी कर लेंगे हम दोबारा से, ताकि अगर आपका एक्सपीरियंस है या फिर आपका इंटरेस्ट है या फिर आप लेना चाहते हैं टीवीएस आई क्यूब या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहला सवाल ये है आपका कि मैंने टीवीएस आई क्यूब को ही क्यों चुना, मार्केट में और भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जैसे ओला, एथर। तो जिस टाइम पे मैंने टीवीएस आई क्यूब को परचेज किया था, उस टाइम पे एक तो डिलीवरी सिर्फ टीवीएस आई क्यूब की थी, ओला और एथर की डिलीवरी नहीं हो रही थी। और दूसरी बात यह कि ओला में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम निकल के आ रही थी, कभी उसका सस्पेंशन टूट जा रहा था, कभी कोई दिक्कत आ जा रही थी, और एथर की तो डिलीवरी ही नहीं थी, और उसमें भी शायद एक दो प्रॉब्लम आ रही थी चार्जिंग को लेकर के। लेकिन सेम टाइम पर जब मुझे रिक्वायर्ड थी एक्चुअल में, और जब मुझे लगा कि हाँ मेरे पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो सेकेंडरी वो होना चाहिए, तो उस टाइम पे अवेलेबल थी टीवीएस आई क्यूब। तो इसी रीज़न से मैंने जो है टीवीएस आई क्यूब को ख़रीदा। अगर बात करें प्राइस की, तो ये मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने जो है 1,30,000 रुपये ही ख़रीदी है, जिसमें मैंने फाइनेंस कराया था, तो 30,000 रुपये और मेरे लग गए, तो टोटल लगा सकते हो आप 1,60,000 रुपये। और कुछ लोगों को शायद सब्सिडी मिलती होगी, मुझे आज तक नहीं मिली है कोई सब्सिडी, मुझे नहीं मिली है फेम टू वाली, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे नहीं मिली है। तो 20,000 किलोमीटर या फिर 18 महीने का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा इस स्कूटी के साथ, तो देखो स्कूटी एक नंबर है, थोड़ी महंगी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूटी के साथ एक्सपीरियंस बहुत सही है। दिक्कत आई टीवीएस के ऑथराइज सर्विस सेंटर वालों के साथ, वो उतने बड़े चूतिया ना, उनसे बड़ा चूतिया कोई है नहीं इस दुनिया में। ना तो उनके बारे में व्हीकल की नॉलेज है, ना उनका मतलब चार्जर व्हीकल कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए ऑथराइज पर्सन के पास, उनके पास वो भी नहीं है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो इनके पास जो स्मार्ट चार्जर होता था उसमें अर्थिंग का प्रॉब्लम था, उसके लिए मैंने अर्थिंग करवाई, वो सारी चीज़ें कराई। अगर आपके पास एक व्हीकल है टीवीएस आई क्यूब तो आपको ऑलरेडी पता होगा। सेकंड जो प्रॉब्लम आई थी वो आई थी कि जो इसका व्हील है, जो इसका अलॉय व्हील है पीछे वाला, उसके अंदर ही हब मोटर है, तो वो जो है थोड़ी सी बैंड हो गई थी, तो उसको रिप्लेस कराने में और बहुत सारे पेपर वर्क करने में और सर्विस सेंटर आने में जाने में करीब करीब 1 से 1.5 महीना लगा था। तो उसमें जो है वो व्हील चेंज होकर आया था, हालांकि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट करा लिया, लेकिन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर देखता हूँ बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि उनका व्हील भी जो है बैंड हो गया, लेकिन उनको जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, और वो थर्ड पार्टी के थ्रू ठोका पीटी से जो है खुद ही बाहर से अपना रिपेयर करा ले रहे हैं। हालांकि उनको नहीं कराना चाहिए, और टीवीएस सर्विस सेंटर वालों को जो है फ्री में रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि वारंटी में है आपका व्हीकल और वारंटी में है तो आपको रिप्लेस करना चाहिए। एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम आई वो ऑनबोर्ड चार्जर की थी। ऑनबोर्ड चार्जर जो है उसको रिप्लेस कराया मैंने, और उसको रिप्लेस कराने में कम से कम 8 से 10 दिन मेरे ख़राब हुए। देन जो तीसरी बार जो प्रॉब्लम आई वो फिर से जो है ऑनबोर्ड चार्जर की आई, लेकिन तीसरी बार जो उन्होंने जो है मुझे दूसरा चार्जर दिया, वो मैं अभी आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि उसकी लेंथ कितनी है और कैसा वो चार्जर है। सो बने रहिए वीडियो में, और इसके लिए मुझे एक पर्सन की हेल्प लगेगी जिससे मैं इस चार्जर की लेंथ दिखा दूंगा। तो उदित भाई आप आ जाइए थोड़ा कैमरे के सामने। इस चार्जर की लेंथ जो है हम दिखा देते हैं। पहली बात तो आप थोड़ा वेट उठा के बताओ, कितना वेट लग रहा है इसमें बताओ, आप जोर से बताओ। एक किलो से ऊपर तो नहीं। एक किलो? अरे मुझे तो कम से कम 2 किलो वेट लग रहा है यार इसमें। 1.5 किलो से ऊपर नहीं है उसका वेट। चलो फिर भी ठीक है, लेकिन जो पहले चार्जर आता था उसका वेट था कम से कम 300-400 ग्राम। अब हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो आई थिंक आप ये वाला हिस्सा पकड़ के थोड़ा पीछे जाइए, और कैमरा मैन आप थोड़ा पीछे हो जाइए ताकि इसकी लेंथ पता लग जाए, और हम स्कूटी के ऊपर ही देख लेते हैं। इसकी लेंथ जो है इतनी है, क्या कोई गेस कर सकता है इसकी लेंथ कितनी है? तो वो बता सकता है। और पहले जो ऑनबोर्ड चार्जर आता था, ये ऑफ बोर्ड चार्जर है, मतलब इसे मैं इस बोर्ड के ऊपर यहाँ रख देता हूँ, और इसके अंदर एक फ़ैन भी लगा हुआ है जो टर्न होता है, और इसका जो चार्जिंग पॉइंट है वो भी अभी चेंज हो चुका है, जो पहले दूसरा होता था इसमें जो है वो दूसरा है। अगर हम बात करें पावर पॉइंट की, तो आपको नॉर्मल किसी भी पावर पॉइंट में आप लगा सकते हैं इस प्लग को। आपको स्पेशली जो 16 एम्पियर या 20 एम्पियर, 19 एम्पियर, 21 एम्पियर के जो पावर प्लग होते हैं, जहाँ प्रेस या फिर बड़े बड़े जो है लार्ज अप्लाइंसेस लगाते हैं, उनकी जरूरत नहीं है। आप इसे नॉर्मल जहाँ अपना मोबाइल चार्ज लगाते हैं वहाँ से भी इस स्कूटी को आप चार्ज कर सकते हैं। और अब इस चार्जर में अर्थिंग की प्रॉब्लम नहीं है और अर्थिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। सब चार्जर रख लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इतने बड़े चार्जर को रखने के बाद डिग्गी में कितना स्पेस बचता है। तो आइए, एक ये छोटा सा चश्मा, इसे हम साइड में रखते हैं। ये मैंने रखा ना चार्जर, और अब आप देख सकते हो इसके अंदर इतना कम स्पेस है, इतना कम स्पेस है कि पहले इसके अंदर जो है एक हाफ फेस हेलमेट आ सकता था, लेकिन अब उसको रखने की जगह बिल्कुल नहीं है। आई थिंक अब इसके अंदर मैं क्या रख सकता हूँ, अब इसके अंदर मैं जो है अपने ग्लव्स रख सकता हूँ, और स्कूटी साफ करने के लिए कपड़ा रख सकता हूँ। ये उसके बाद इसके अंदर कुछ भी रखने की कोई जगह नहीं है।
तो 18 महीने बाद या फिर यू कहें 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद इसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी आई है? इसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आई है। और नए चार्जर के साथ अगर आपको लग रहा है ऐसा कि कैमरामैन मेरे फेस पर थोड़ा फोकस प्लीज़, अगर नए चार्जर के साथ आपको लग रहा है कि इसकी चार्जिंग का टाइम थोड़ा कम हो गया होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना टाइम पहले लगता था सेम उतना ही टाइम लगता है। बाकी पिकअप पहले जैसा है, परफॉर्मेंस पहले जैसी है, वैसी ही उठती है गाड़ी जैसे पहले उठती थी। किलोमीटर चलने की वाली बात है वो तो वही है, इको मोड पे जो है वही 75 किलोमीटर और स्पोर्ट्स मोड पे जो है पावर मोड पे यानी कि 55 किलोमीटर। और मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना हो, टीवीएस आईक्यूब, ओला, एथर, जो मर्जी, अगर कोई भी, लेट्स से सपोज एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी व्हीकल, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी आपको क्लेम करती है कि हमारा व्हीकल जो है वो एक सिंगल चार्ज में 100 किलोमीटर चलेगा, तो उसे आप सिर्फ 60 किलोमीटर ही मानना, क्योंकि उसमें कंडीशन होती है कि डबल आप नहीं बिठा सकते, टेम्परेचर इतना होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा, तो आप 40% कट कर दें। बाकी इस व्हीकल को मैं डेली यूज़ करता हूँ और सर्विस सेंटर वालों से ही मेरे को प्रॉब्लम है। अगर ये वीडियो ऑथराइज टीवीएस पर्सन देख रहे हैं, टीवीएस मोटर वाला कोई देख रहा है या फिर कोई भी सीनियर पर्सन देख रहा है, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इसकी सर्विस सुधार लें। व्हीकल में कोई दिक्कत नहीं है, व्हीकल आपका ठीक है, बट हाँ थोड़ा लाइट वेट बनाने के लिए इसमें प्लास्टिक के पार्ट्स हैं, अगर थोड़ी बहुत खरोचे चोट लग भी जाती है तो निशान बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपके पास ये पुरानी वाली टीवीएस आईक्यूब है या फिर आप नई वाली लेना चाहते हैं, तो चार्जर अगर नई वाली स्कूटी के साथ आपको नया वाला मिलेगा, पुराना वाला नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास पुरानी स्कूटी है तो उसका चार्जर आपको ऑनबोर्ड जो है वो चेंज कराना पड़ेगा, ऑफबोर्ड चार्जर आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि चार्जर की एक तो पहले वारंटी जो है वो साल भर की आती है, स्कूटी की जो है व्हीकल की वारंटी आती है 3 साल की, चार्जर की वारंटी 1 साल की। अगर 1 साल के बाद वो चार्जर खराब होता है तो आपको कम से कम 17-18 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे, और उसके बाद भी आपको जो है चार्जर कब मिलेगा, 8 दिन 10 दिन 1 महीने बाद, कोई इसका कोई टाइम का कुछ है ही नहीं। टीवीएस वाले कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि इतने टाइम में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं उसके बाद भी